हिमाचल की सियासत से जुड़ी बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। देखिए, आप सुन रहे थे कुलदीप पठानिया को, जो कि स्पीकर है हिमाचल विधानसभा के। उन्होंने ये साफ कहा, जो भी विधायकों ने क्रॉस वोटिंग की थी उनकी सदस्यता रद्द कर दी गई है। स्पीकर ने रद्द की विधायकों की सदस्यता। अब नाम भी जानिए, राजेंद्र राणा, चैतन्य शर्मा, रवि ठाकुर, देवेंद्र सिंह भुट्टो, इंद्र दत्त, लखन पाल, ये तमाम 6 बागी विधायक है कांग्रेस के, जिन्हें क्रॉस वोट करने पर इन्हें, आपको बताते चले कि सदस्यता इनकी रद्द कर दी गई है। तो बड़ी खबर आपको इस वक्त की बता रहे, मैंने सभी पक्षों को सुना, ये स्पीकर ने कहा। खबर पर अधिक अपडेट के साथ महिमा हमारे साथ जुड़ गई। महिमा, क्रॉस वोट करने वाले जितने भी 6 एमएलए थे उनकी सदस्यता रद्द कर दी गई। अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस हम सुन रहे थे और उन्होंने कहा कि मैंने सभी पक्षों को बहुत ध्यान से सुना और ये फैसला लिया। बिल्कुल रंजना, हिमाचल प्रदेश में मौसम सर्द है, सर्दी बहुत ज्यादा, लेकिन यहाँ पर सियासी पारा चढ़ा हुआ है। अभी कुछ देर पहले हम अपने तमाम दर्शकों को प्रेस कॉन्फ्रेंस सुना रहे थे स्पीकर की, जिसमें वो तमाम बड़ी बातें कहते हुए नजर आए। उन्होंने फिलहाल सबसे बड़ा फैसला ये लिया कि 6 जो विधायक थे उनको फिलहाल यहाँ पर निलंबित किया गया है। अब ये फैसला संजीवनी के तौर पर सामने आ रहा है सुक्खू सरकार के लिए। ये संजीवनी है, राहत की सांस है कि अब 3 महीने तक, कम से कम जब तक लोकसभा चुनाव नहीं होते तब तक, सुक्खू सरकार पर जो खतरा मंडरा रहा था वो अभी फिलहाल खतरा जो है वो मंडराएगा नहीं। और सबसे बड़ी बात की जो विधायक यहाँ पर है, 32 विधायक यहाँ पर पहुंच चुके, यानी कि इन 32 विधायकों का समर्थन अभी सीएम सुक्खू के पास है। सबसे बड़ी बात, विक्रमादित्य सिंह अभी अपने आवास पर ही मौजूद है, वो यहाँ पर ब्रेकफास्ट डिप्लोमेसी में नहीं शामिल हुए, स्पीकर भी नहीं शामिल हुए, क्योंकि स्पीकर को आप सुन रहे थे वो प्रेस कॉन्फ्रेंस। अभी भी लगातार विधायकों के पहुंचने का सिलसिला, वो कभी जा रहे हैं कभी आ रहे हैं, मतलब चर्चाएं फिलहाल जारी है। आपको मैं तस्वीरें दिखाना चाहूंगी, चूंकि आपने 6 विधायकों का नाम बता दिया है, राजेंद्र राणा सुजानपुर से, धर्मशाला से सुधीर शर्मा, कुटलहर से देवेंद्र भुट्टो, बड़सर से आईडी लखन, लाहौल स्पीति से रवि ठाकुर, गगरेट से चैतन्य शर्मा, यंगेस्ट विधायक ये हैं इस विधानसभा के। तो देखिए तस्वीरें आप देख सकते हैं, अभी भी हम फिलहाल ओक ओवर में मौजूद है, सीएम का ऑफिशियल रेजिडेंस ये है, सुरक्षा के लिहाज से यहाँ पर कड़े इंतजाम किए गए हैं। और ये है संजीवनी। बेसिकली ये फैसला इसलिए इंपॉर्टेंट था रंजना, क्योंकि अगर ऐसा नहीं होता, ये 6 विधायक निलंबित नहीं होते, इनकी सदस्यता इसी तरह से रहती, तो ये इस सरकार के लिए खतरा बन सकते थे, क्योंकि 25 विधायक भारतीय जनता पार्टी के पास ऑलरेडी, 6 विधायक ये भी चले जाते, 3 निर्दलीय वो भी चले जाते, और फिर 34-34 बराबरी हो जाती। तो अभी यहाँ पर काफी ज्यादा हलचल तेज होती हुई नजर आ रही है और ओक ओवर में हम मौजूद है। जैसे कोई विधायक फिलहाल यहाँ पर पहुंचता है, मुझे लग रहा है कि कोई यहाँ पर विधायक जो है वो बाहर निकलेंगे, तो फिर हम एक एक करके उनसे रिएक्शन लेने की कोशिश करेंगे कि आखिर इस ब्रेकफास्ट डिप्लोमेसी में क्या कुछ खास रहा। अभी सभी विधायक अंदर, देखिए अब जो गाड़ियां हैं वो निकलने लगी यहाँ पर अजरा, और जैसे ही धीरे धीरे अब विधायक बाहर निकलने लगेंगे तो हम एक एक तस्वीर फिलहाल आप तक पहुंचाएंगे, किसकी तरफ से क्या बड़ी बातें कही जाएगी वो भी आपको सुनवाने वाले। लेकिन अब यहाँ पर काफी हलचल तेज होते हुए नजर आ रही है, सुरक्षा के लिहाज से भी यहाँ पर फिलहाल कड़े इंतजाम किए गए हैं। और देखिए गेस्ट जैसे कोई यहाँ पर ऑब्जर्वर्स भूपेंद्र सिंह हुड्डा यहाँ पर पहुंच चुके हैं। देखिए भूपेंद्र हुड्डा भी देखिए यहाँ पर फिलहाल पहुंच चुके हैं रंजना, अगर आप तस्वीरों में देख पा रहे हैं, हालांकि बात करने के लिए अभी तैयार नहीं है, लगातार रिएक्शन लेने की कोशिश हम कर रहे हैं। तो भूपेंद्र हुड्डा आपने फिलहाल देखा अपनी तस्वीरें। देखिए शिव कुमार रंजना, यहाँ पर हलचल काफी तेज होते हुए नजर आ रही है, क्योंकि भीड़ बहुत ज्यादा है, सुरक्षा के लिए यहाँ से कड़े इंतजाम किए गए हैं। बिल्कुल बिल्कुल, वो तस्वीरें हम देख पा रहे हैं, लगातार कोशिश कर रहे हैं। भूपेंद्र हुड्डा को आपने देखा, हाँ महिमा दिखाएं आप तस्वीरें। भूपेंद्र हुड्डा फिलहाल पहुंच चुके, डीके शिव कुमार को हम देख रहे हैं कि डीके शिव कुमार भी यहाँ पर पहुंच चुके हैं, लेकिन फिलहाल बात करने के लिए अभी तक कोई तैयार नहीं हुआ। तो ये तस्वीर इस वक्त आप देख सकते हैं। बड़ा अपडेट हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला से यही कि एक तो 6 विधायक निलंबित हो गए, नंबर 2 ऑब्जर्वर्स पहुंच गए, तीसरा 32 विधायक यहाँ पर। रंजना बिल्कुल, यानी कि हिमाचल का जो सियासी संकट है वो कहीं ना कहीं टलता हुआ नजर आ रहा है। महिमा बिल्कुल आप सही कह रही हैं कि अब जो सियासी संकट हम पहले देख पा रहे थे वो थोड़ा बहुत टलता हुआ नजर आएगा, यानी कि सीएम सुक्खू की कुर्सी जाने का खतरा था, लेकिन अब हो सकता है कि जैसे 32 विधायक आपने यहाँ पर देखे कि 32 विधायक यहाँ पर पहुंचे हुए, ब्रेकफास्ट डिप्लोमेसी पर उनको बुलाया गया था, लेकिन 2 विधायक कह सकते हैं, फिर एक स्पीकर चूंकि वहां पर बिजी थे, विक्रमादित्य सिंह की नाराजगी आप यहां पर देख सकते हैं। और सबसे बड़ी बात, कल आपने बयानबाजी देखी थी, सबसे पहले मंत्री पद से इस्तीफा दिया विक्रमादित्य सिंह ने, उन्होंने कहा कि अब मैंने अपना इस्तीफा वापस ले लिया,
फिर देर शाम तक कहते हैं कि अब मेरा इस्तीफा मैंने वापस नहीं लिया। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि विक्रमादित्य सिंह अभी भी इस सरकार से फिलहाल नाराज चल रहे हैं, लेकिन उनकी नाराजगी की वजह क्या है वो देखना काफी महत्वपूर्ण होगा। लेकिन अपडेट बड़ा यही है कि अभी फिलहाल 3 महीने के लिए तो हम ये देख पाएंगे कि सुखविंदर सिंह सुक्खू की जो सरकार यानी कि मुख्यमंत्री पद पर, हो सकता है कि सुखविंदर सिंह सुक्खू ही रहे। लेकिन अब बाकी जो 6 विधायक है वो आगे क्या उनका क्या रुख रहता है, क्या वो हाईकोर्ट जाएंगे सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, वो भी देखना काफी महत्वपूर्ण। लेकिन बड़ा अपडेट यही कि प्रेस कॉन्फ्रेंस हो चुकी है, विधायक निलंबित हो चुके हैं, और दूसरी बड़ी बात कि अब यहां पर मीटिंग में भी लगातार जारी, जैसे ही कोई विधायक बाहर निकलता हम रिएक्शन लेने की लगातार कोशिश करेंगे। बिल्कुल महिमा, देखिए आपने बयान का जिक्र किया और फाइटर हूं आखिरी दम तक लड़ूंगा सुक्खू ने ये बीते दिन भी कहा था, और जिस तरह से हिमाचल का इस वक्त पॉलिटिकल सीन है इसे कैसे समझा जाए, क्योंकि अभी भी कहीं ना कहीं इंटरनल जो है वो चीजें बरकरार है। विक्रमादित्य जिसका जिक्र आप बार बार कर रही हैं, और वो ब्रेकफास्ट डिप्लोमेसी, मतलब जब ब्रेकफास्ट वहां पर हुआ वहां पर भी वो नहीं पहुंचे। माफ कीजिएगा मैं आपका सवाल सुन नहीं पाई रंजना, दोबारा आपका सवाल कीजिए। महिमा देखिए यहाँ पर जिक्र हो रही थी बयानों की, और बीते दिन सुक्खू का बयान हमने सुना, फाइटर हूँ आखिरी दम तक लड़ूंगा, अब ये समझाए कि क्या ये जो पॉलिटिकल सीन हिमाचल में प्रदेश में चल रहा है क्या अब वो यहाँ पर सुलझता हुआ नजर आ रहा है? अभी कुछ समय के लिए फिलहाल जो पॉलिटिकल ड्रामा कह सकते हैं ये भी रुकता हुआ नजर आएगा, क्योंकि अभी लोकसभा चुनाव सर पर है। कांग्रेस आलाकमान पूरी तरह से अलर्ट मोड पर यहाँ पर नजर आ रहा है। कल आपने प्रियंका गांधी का वो एक्स पर पोस्ट देखा होगा, एक्स पर उनकी तरफ से पोस्ट किया गया था जिसमें वो विधायकों की खरीद फरोख्त की बात करती हुई नजर आई। तो अभी के लिए फिलहाल ये सियासी संकट टलता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि अगर भारतीय जनता पार्टी के पास वो 6 विधायक चले भी जाते हैं, जो बाकी 3 निर्दलीय विधायक है अगर वो भी चले जाते तब भी आंकड़ा 34-34 का ही होगा। विधायकों को और तोड़ने की होगी भारतीय जनता पार्टी को, जिस तरह से खतरा लगातार आप देख पा रहे थे कि प्रियंका गांधी कहती हुई नजर आ रही थी, तो इसीलिए भारतीय जनता पार्टी के लिए इस तरह का कोई भी कदम उठाना आसान नहीं होगा। यानी कि सरकार कांग्रेस की ही रही है कि हिमाचल प्रदेश में, लेकिन खतरा यहां पर मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू पर मंडरा रहा था। लेकिन आज जैसे कि हम इस वक्त ओक ओवर पर मौजूद है, और आपने तस्वीरों में देख भी लिया कि ओक ओवर में 32 के 32 विधायक फिलहाल पहुंच चुके हैं, 40 विधायक भारतीय माफ कीजिएगा कांग्रेस पार्टी के थे, 40 में से 6 हो गए माइनस जिनको निलंबित कर दिया, बचे 34 में से एक नाराज है, वो अपने आवाज पर विक्रमादित्य सिंह और स्पीकर को आपने सुना। तो 32 के 32 विधायक जब यहां पर पहुंचे ब्रेकफास्ट डिप्लोमेसी में, तो इससे ये पिक्चर पूरी तरह से क्लियर हो चुकी है कि ये 32 के 32 विधायक फिलहाल सुखविंदर सिंह सुक्खू के साथ है। उन्होंने जब उनको ब्रेकफास्ट पर बुलाया, चर्चा करने के लिए बुलाया, ब्रेकफास्ट डिप्लोमेसी पर बुलाया, तो सभी के सभी पहुंचे। सबसे लास्ट में यहां पर कसुमटी से जो विधायक है अनिरुद्ध सिंह वो पहुंचे, जगत सिंह नेगी किन्नौर से पहुंचे हुए हैं, अर्की से विधायक पहुंचे हुए, तो सभी फिलहाल इस वक्त पहुंचे हुए, भले वो सुखविंदर सिंह सुक्खू के समर्थक हो ना हो, लेकिन ठीक है। महिमा बने रहे हमारे साथ, थानेश्वर भी जुड़ गए। थानेश्वर देखिए विप का उल्लंघन और सभी विधायकों को यहां जिनकी सदस्यता थी रद्द कर दी गई, हम स्पीकर को सुन रहे थे, उन्होंने साफ कहा कि उन्होंने अनएथिकल काम किया है। अब क्या प्रतिक्रियाएं सामने आ रही, क्या अपडेट है? देखिए अभी स्पीकर ने जैसे ही ये कहा कि उनकी जो सदस्यता है उसको विधानसभा से अयोग्य घोषित करते हैं, उसके बाद तुरंत मैंने जो बाकी विधायक से उनसे बात करने का प्रयास किया, तो अभी उनकी तरफ से जो आया है कि वो इसको आगे कोर्ट में चैलेंज करेंगे। उनका कहना है कि अभी इसको इतनी जल्दी स्पीकर हमें अपनी बात रखने का समय नहीं दिया गया है, और स्पीकर ने ऐसे डिसीजन सुना दिए, हम अपनी बात रखना चाहते हैं, हम इसको मामले को लेकर आगे कोर्ट जाएंगे। जबकि स्पीकर का कहना है कि 30 पेज का मेरा जो ये फैसला है, चाहे इसको कोर्ट में चैलेंज कर लें, जैसे भी कर लें, विप का उल्लंघन करने और दल बदल कानून के तहत मैंने ये फैसला सुनाया है। स्पीकर ने क्लियर शब्दों में कहा है कि आया राम गया राम की राजनीति पर अंकुश लगाने के लिए जो दल बदल कानून बना है उसी के तहत मैंने इसका फैसला, ये सब फैसला दिया है। स्पीकर ने जो कहा है, उन्होंने कहा कि विप जारी हो चुका था, उसके बाद कट मोशन पर चर्चा करने के लिए इन सबको आना था, लेकिन ये नहीं आई। और साथ ही साथ उन्होंने ये भी जिक्र किया कि राज्यसभा चुनाव में ये कांग्रेस के उम्मीदवार थे, लेकिन इन्होंने बीजेपी के उम्मीदवार को वोट दिया, जो विप का, जो पार्टी के नियमों का उल्लंघन है, और साथ ही विप का भी उल्लंघन है, इसलिए इनकी सदस्यता को अयोग्य घोषित किया गया है। अब चूंकि 40 में से 6 विधायक की सदस्यता रद्द हो गई है, अभी उनके पास, कांग्रेस के पास 34 विधायक बाकी रह गए, जबकि एक विधायक नाराज बताया जा रहा है। आज जो ब्रेकफास्ट डिप्लोमेसी थी उस पर भी 32 विधायकों के पहुंचने की जानकारी आ रही है। अभी चूंकि इसके बाद जो विपक्ष
विपक्ष के नेता है जयराम ठाकुर से भी बात करने का प्रयास करेंगे। उनका कहना है कि अगर इनकी सदस्यता घोषित रद्द कर दी गई है और बाई इलेक्शन होता है तो वो भी इस काम के लिए तैयार है। जी बिल्कुल थानेश्वर, देखिए अभी हिमाचल की सरकार को राहत मिल रही है लेकिन अंतर कलह को कांग्रेस किस तरह से संभालती नजर आएगी, क्योंकि अभी भी सुखू की बात करें, विक्रमादित्य की बात करें तो नहीं पहुंची, और जो अंतर कलह उसे कैसे सुलझाने की कोशिश कांग्रेस अब करेगी। देखिए कांग्रेस कल रात से भूपेंद्र सिंह हुड्डा इस अंतरकलह को शांत करने के लिए लगे हुए, और भी जो पर्यवेक्षक आए हैं वो इस अंतरकलह को शांत करने के लिए लगे हुए हैं। पहले जब शाम तक ये निकल कर आ रहा था कि मुख्यमंत्री को चेंज किया जाएगा, लेकिन अब जो सूचना आ रही है कि मुख्यमंत्री के चेंज होने की संभावना कम है, क्योंकि यहां पर मैं एक उदाहरण देना चाहूंगा, इसको आप पंजाब मॉडल से भी देख सकते हैं। पंजाब मॉडल में जिस समय कैप्टन अमरिंदर सिंह के खिलाफ ऐसी लॉबिंग तैयार हुई थी तो उसको चेंज करके नवजोत सिंह सिद्धू को मुख्यमंत्री बनाया गया था, और उसके बाद जो हुआ था पंजाब में आपके सामने है कि वहां पर कोई भी आज तक पार्टी खड़ी नहीं हो पाई है, पार्टी खड़ी नहीं हो पाई, जिससे कि कांग्रेस को यह भी खतरा था कि अगर हिमाचल के अंदर भी कांग्रेस दो गुटों में बंट गई तो पार्टी को लोकसभा चुनाव में जो अभी मुआयने पर खड़े हुए हैं उसको भारी नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। इसीलिए अभी जो लोकसभा चुनाव तक है, लोकसभा चुनाव तक जानकारी जो निकल कर आ रही है कि मुख्यमंत्री को चेंज नहीं किया जाएगा, जो रूठे हुए हैं उनको बनाने का प्रयास किया जाएगा। आज जो ब्रेकफास्ट डिप्लोमेसी थी उसमें भी 32 विधायक उनके ब्रेकफास्ट पर पहुंचे हैं सीएम हाउस पर, चाहे वो इस समय सुखविंदर सिंह सुक्खू के पक्ष में है या नहीं है, लेकिन उनका कहना है कि पार्टी आला कमान का जो ऑर्डर आया है, पार्टी आला कमान के ऑर्डर को मानते हुए आज हम यहाँ पर पहुंचे, ना कि नहीं पहुंचे थे। और देखिए इसी बीच एक बड़ी खबर आपको बताते चले, शिमला में सीएम आवास पर हलचल तेज। ये बड़ी खबर, सीएम आवास पर बड़ी बैठक जारी है। हिमाचल प्रदेश की सियासत देखिए लगातार गर्माती हुई नजर आ रही, विधायकों के साथ सीएम की बैठक, पर्यवेक्षक भूपेंद्र हुड्डा सीएम आवास पहुंचे हैं। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे, जहां शिमला में सीएम आवास पर हलचल तेज।